ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना ही। जी हाँ, भगवान कण कण में विद्यमान है और भगवान की स्थान यानी पूजा स्थान को लेकर वास्तु में बहुत चर्चा की गई है। मेरी भी बहुत सारी वीडियोस हैं पूजा स्थान पर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे पेच लूज रह जाते हैं, ढीले रह जाते हैं कि जिसको कि हम टच नहीं कर पाते। साथियों, जब आप सवाल करते हैं मेरे चाहने वाले, तब ध्यान आता है कि अरे ये भी छूट गया, तो इसको इस बार हम अगली बार लेंगे। तो आज हम पूजा स्थान के बारे में बात करेंगे उस पहलू पर कि पूजा स्थान का प्लेटफॉर्म या उसका जो चबूतरा है, वो जगह है, वो कैसे बने, कहाँ बने, वो अंदर से ठोस हो या कैसी हो, उसका फर्श कैसा हो, सिर्फ इस पहलू की बात करेंगे। पूजा स्थान की बातें तो हमने बहुत बार की हैं। अगर जानना चाहते हैं और नया घर बना रहे हैं या पुराने घर में अगर आप पूजा स्थान को फिर से अपना सेट करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। आखिर तक देखिए, आपके मन की जो बात है वो मैंने पढ़ ली है, मैंने पहचान ली है, आप क्या जानना चाहते हैं आज वो समझाऊंगा आपको। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। साथियों, अगर आपने अपना नया घर बनाया है, बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या बनाने की बात सोच रहे हैं और उसके लेआउट प्लान की बात कर रहे हैं यानी उसके जो है नक्शे पर आप काम कर रहे हैं, तो पूजा स्थान पर जब जाते हैं तो वहां पर जाके फंस जाते हैं एक पॉइंट पर बहुत बुरी तरह से। और वो पॉइंट क्या होता है कि भगवान को मैं अपने से नीचे बिठाऊं या अपने से ऊपर उठाऊं, भगवान का जो मंदिर है, मंदिर का जो लेवल है, उसका जो फर्श है, उसको मैं डाउन करूं या अप करूं। अगर डाउन करता हूं तो भगवान का स्थान मैंने नीचा कर दिया, अगर ऊंचा करता हूं तो फिर मेरा ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि पूजा स्थान तो बना ही नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, ईशान कोण में वो ऊंचा हो जाएगा। दूसरा सवाल आता है कि पूजा स्थान के जो ड्रॉर बनते हैं हमारे, जो हमारे जो उसका प्लेटफॉर्म बनता है, वो ठोस हो या अंदर से खोखला हो, दो बातें। तीसरी बात पूजा स्थान की कि पूजा स्थान के अंदर जो जो कलर करें और जो मार्बल लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं कैसा हो, मूर्तियां किस चीज़ की बनी हुई हों और उनका साइज क्या हो। छोटी छोटी बातें बहुत काम की, आज आपको मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा। पहला पॉइंट नोट करना शुरू कर दो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। पहला पॉइंट नोट करो कि जो पूजा स्थान बनाएंगे आप ईशान कोण में बनाएंगे और उस पूजा स्थान का जो फर्श बनेगा, फ्लोरिंग जो होगी वहाँ पर, टाइलिंग करेंगे या जो भी लगाएंगे, वो बिल्कुल भी बाकी फ्लोर से बिल्कुल भी ऊंचा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। उसका लेवल अगर बराबर रहे तो सबसे बढ़िया है, और अगर आप उसमें कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं तो हल्का सा एक सूद डाउन कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डाउन करना भी ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, ऊँचा कभी ना करें उस फ्लोर को, ये मान कर के भगवान को मैं ऊंचे बिठा दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ईशान कोण आपका ऊंचा हो जाएगा, फर्स्ट डाउन आपका ऊंचा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान का जो थड़ा बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, जिसके ऊपर भगवान को बिठाते हैं, वहाँ पर आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि उसको एक बढ़िया जगह देने के लिए भगवान का चबूतरा जो है बिल्कुल ठोस बना देते हैं, सॉलिड कर देते हैं, ईंटों से उसकी चनाई करते हैं और उसके ऊपर जो है पत्थर या मार्बल कुछ लगाया करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है किसी भी जगह को ऊंचा करना, भारी करना, चबूतरा बनाना, ठोस स्ट्रक्चर वहां पर बनाना, वास्तु के हिसाब से नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। साथियों, अब क्या करें, वहां पर जो भगवान की जो जगह बैठने की बनानी है आपने, जहां पर मूर्तियां रखनी है आपने, फोटोग्राफ रखने हैं आपने, गॉड की इमेजेस रखनी है, तो वो जो है जगह आपकी जमीन से 6 इंच से 18 इंच के बीच में किसी भी हाइट के ऊपर हो सकती है, सभी ठीक है। इसके अलावा जो आप पूजा स्थान में भगवान की जगह बनाएंगे, वो चबूतरा ठोस ना हो, हॉलो होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, और उसके अंदर जो जगह खाली है वहाँ पर आप लकड़ी की ड्रॉज बना सकते हैं, जिसमें आपका पूजा का सामान है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रोली मोली हल्दी आपका जो है पूजा का सामान है, चावल है और गंगा जल है, ऐसा सामान आपका वहाँ पर रह सकता है, ठोस ना बनाएं। अब आपके मन में ये बात आती है कि पूजा स्थान का जो फर्श है, वहाँ का जो
आसन है उनका बैठने के लिए, वो किस चीज़ का बनाएं, लकड़ी का बनाएं, लोहे का बनाएं, पत्थर का बनाएं, सीमेंट का बनाएं, टाइल लगाएं, क्या लगाएं, किस चीज़ का लगाएं, सोना लगाएं, चांदी लगाएं, मेटल लगाएं, क्या आपके मन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं साथियों। अब ध्यान करें, देखिए पूजा स्थान में बहुत ज़्यादा मेटल का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा मेटल यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि पूजा स्थान बने बनाए मिलते हैं मार्केट में और उनके ऊपर जो है पत्थर चढ़ा होता है, जो पत्थर चढ़ा हुआ होता है वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा वैसे कोई बहुत सीरियस फैक्टर नहीं है, पर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लकड़ी हो, दिखाई पड़ती हो, ज़्यादा अच्छा होती है। इसके अलावा अगर आप कांच यूज़ करते हैं वहाँ पर, अगर शीशा यूज़ करते हैं तो शीशा भी यूज़ करें, लेकिन आसन के लिए यूज़ ना करें। जहाँ पर गॉड को रखा जाता है वहाँ पर जो है सीमेंट का हो या फिर लकड़ी का हो और फिर या फिर वहाँ पे मार्बल हो। मार्बल में भी कोशिश करें कि गहरे कलर यूज़ ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाइट मार्बल ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आ जाती है मूर्तियों की बात। मूर्तियाँ जो उसमें रखी जाती हैं उनकी ऊंचाई कोशिश करो कि एक बालिश्त, नहीं एक बालिश्त का मतलब 9 इंच से बड़ी मूर्तियां वहां पर ना हो। और मूर्तियों के जो मटेरियल होता है, सबसे बढ़िया मूर्तियां होती हैं बनी हुई मिट्टी की। मिट्टी के बाद जो मूर्तियां होती हैं फिर होती हैं पत्थर की बनी हुई, पत्थर के बाद में लकड़ी की होती हैं। और प्लास्टिक की बनी मूर्तियाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए, फाइबर की बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं वो यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आपने ध्यान करना है कि जो शनि है, शनि की मूर्ति आमतौर पर लोहे की होती है, मेटल की होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी और जो गॉड है उनका, जैसे मैंने आपको बताया, उसी चीज़ की आपने यूज़ करनी है, प्लास्टिक की और लोहे की मूर्तियाँ यूज़ नहीं करनी। अब अंदर की कैसे स्थापना करें, हम जगह बनाते हैं हम तो कैसे करें साथियों। घर में जो है मूर्तियों की स्थापना नहीं करानी चाहिए, क्योंकि स्थापना करने के बाद जो है उसके जो रूल्स होते हैं स्थापना करने के बाद पूजा स्थान के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग आमतौर पर इसको निभा नहीं सकते, अवॉइड करना चाहिए। जो पब्लिक का मंदिर होता है वहाँ पर तो स्थापना होती ही होती है। अपने घर में पूजा स्थान जब आप बनाते हैं, ईशान कोण में आपने पूजा स्थान बनाया है और भगवान की मूर्ति को रखेंगे ईशान कोण के पूर्व वाले जगह पर, भगवान की मूर्ति को रखेंगे आप पूर्व में, ईशान कोण के पूर्व में रखेंगे, जो कॉर्नर है कॉर्नर में एंगुलर नहीं रखना, आपने कोने के अंदर जाए भगवान को खड़ा नहीं करना, क्योंकि वो पनिशमेंट जैसी चीज़ बन जाती है। तो पूरब की दीवार के साथ में आप अपना पूजा स्थान को रखेंगे, गॉड की मूर्ति रखेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका फेस पूजा करते समय हमेशा पूरब दिशा में रहेगा, ईस्ट में रहेगा। उसके बाद जो आपने वहाँ पर दो चीज़ें और यूज़ करते हैं आप, एक तो धूप अगरबत्ती यूज़ करते हैं, अग्नि जिसको कहते हैं हम लोग, ज्योत यूज़ करते हैं, और एक पानी का लोटा या ग्लास भी रखा जाता है पूजा स्थान में आमतौर पर। तो अब पूजा स्थान का वास्तु अलग से होता है साथियों। मैंने आपको बताया बहुत बार कि वास्तु जो है मैक्रो टू माइक्रो चलता है, मेजर टू माइनर चलता है। यानी उस पूजा स्थान का भी अपना एक वास्तु अलग से होता है। यानी पूजा स्थान में जो आप, अगर आपने ईस्ट में फेस किया हुआ है तो धूप अगरबत्ती जो भी अग्नि स्थान अग्नि आपने यूज़ करनी है वो आपके राइट हैंड में रहेगी, सीधे हाथ पे रहेगी, और जो आपका पानी का लोटा होगा या ग्लास होगा या कोई भी इसके लिए कलश यूज़ करते हैं वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। यानी पूजा के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में जल आ गया, पूजा स्थान के साउथ ईस्ट के अंदर अग्नि आ गई। छोटी छोटी बातें ध्यान देने की आपके बहुत काम आएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा वीडियो आपके लिए, हर वीडियो आपके लिए एक नया संदेश लेकर आता है, और आपके मन में जो सवाल अटके रह जाते हैं पहले से बहुत सारे वीडियो देखने के बाद लोगों के, उसका समाधान मैं आपको देता हूं, उसका कारण बताता हूं, साथ में लॉजिक बताता हूं, साथ में बताता हूं उसकी साइंटिफिक वैल्यू। साथियों अगर अच्छा लगा वीडियो, मुझे पता है आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर भी ज़रूर करेंगे, पर हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपने पहली बार देखा मेरा वीडियो तो देखिए पूरी चेन है, एक नहीं है 1000 वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, लाइन लगी पड़ी है, हर टॉपिक पर बोला है, लॉजिकल बोला है और डंके की चोट से बोला है साथियों। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।